ओम शांति। सभी दर्शकों का अमूल्य रत्न में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपने घर, परिवार और संगठन में रहते हैं और बहुत ज़रूरी है कि जब हम मिलकर रहते हैं तो यूनिटी हो, आपस में एक दूसरे के विचार मिले, संस्कार मिले। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों पर अक्सर मन मुटाव होता ही रहता है। किस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान यदि हमें मिल जाता है तो आपस में संगठन को बहुत अच्छा बनाना, यूनिटी लेकर आना हमारे लिए बहुत सहज हो सकता है। आज हम परमात्मा के महावाक्यों के जरिए इसी बात की गहराई में जाएंगे और हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सब हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे 16 जून सन 1969 के महावाक्यों के बारे में, जिसका मेन टॉपिक था अवगुणों के त्याग के बारे में। सब जब हम एक परिवार में रहते हैं, एक संगठन में रहते हैं, तो वहाँ पर कोऑपरेशन, यूनिटी बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक एकता नहीं है, विचारों में एकता नहीं है, तब तक आपस में मिलकर रहना कई बार बहुत दिक्कत की बात हो जाती है। तो ईश्वरीय महावाक्यों में दो कमियां हमने जो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे वो थी एकता और एकांत। आप हम चाहेंगे कि इसको स्पष्ट करें कि सबसे पहले एकता की सही परिभाषा क्या है। एकता के विषय में परमात्मा ने हम सबको बहुत सी गाइडलाइन दी हैं। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये संगठन एकता के सूत्र के आधार से ही इतना आगे बढ़ा है। जो भी निमित्त बनाए गए जब बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा, तो 69 तक बाबा ने सब बच्चों की बहुत प्रेम से पालना की, संगठन को एक बना करके रखा। हाँ जी। लेकिन बाबा जब इस शरीर से अव्यक्त हुए तो दो आत्माओं को, दो दादियों को निमित्त बनाया। हाँ जी। दीदी और दादी, और दीदी दादी ने एक मत हो करके अपने विचारों को मिलाया, संस्कारों को मिलाया, एक ने कहा, दूसरे ने माना, और एक दूसरे में इतना विश्वास रखा, एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, इतना स्नेह दिया। हाँ जी। जो संगठन को बल मिलता गया। कोई भी बात किसी की हो, कभी भी किसी की कमियों को नोट नहीं किया। हाँ जी। हर एक को सम्मान दिया, सत्कार दिया, और कोई भी बात किसी की उनके सामने लेकर के आया तो सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। बिल्कुल। इस आधार से पूरे संगठन को एक बना करके चलाया जी, और उसी का फल स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय की दिन प्रतिदिन दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। कहाँ तो उस समय 69 में हमारे भारत के अंदर ही सेवाएं चल रही थी, करीब 108 सेंटर खुले हुए थे पूरे भारत के अंदर। हाँ जी। लेकिन दीदी दादी ने एक मत होकर के परमात्मा के जो महावाक्य ब्रह्मा बाबा के द्वारा निकले थे उनको साकार रूप देना शुरू किया जी। उसके लिए कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ एक दूसरे के विचारों को सुन करके, सम्मान दे करके, भले पसंद नहीं भी हों फिर भी उनको इतना सम्मान दे करके, और उसके आधार से संगठन को एक बना करके रखा। किसी के विचारों को कट नहीं किया, अगर गलत भी हैं तो उस समय कट नहीं किया, समय देख करके उनको राय दी कि ऐसे नहीं, ऐसे होगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन तुरंत कट नहीं किया, जिससे उसको सेवा करने का उमंग आता गया। तो यानी यदि हम किसी भी संगठन को समाज में एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऊपर जो हेड है, यानी जो डायरेक्टर है किसी भी कंपनी का या एक परिवार का जो हेड है, उसको कुछ त्याग करना पड़ेगा और कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यदि वो उन सब चीज़ों को बुद्धि में रखता है कि मुझे कैसे किसी को कट नहीं करना है, कैसे हर एक का सम्मान करना है, तो बहुत सहजता से वो उस संगठन को एकाग्रचित कर सकता है, सभी को एक सूत्र में पिरो सकता है। परिवार में अगर पति पत्नी के संबंध में भी विश्वास न हो, पिता पुत्र के संबंध में भी विश्वास न रहे, तो वो संगठन एक नहीं हो सकता। बिल्कुल।
इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में परमात्मा ने हमारे में विश्वास रखा, अपने निमित्त आत्माओं में विश्वास रखा, और जिनको उन्होंने निमित्त बनाया उन्होंने भी हमारे में विश्वास रखा, और विश्वास के आधार से हम लोगों ने उनको पूरा सहयोग दिया। कभी नहीं पूछा ये क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए, अगर कुछ गलती हुई भी तो समय देख करके इशारा दिया, डायरेक्ट कट नहीं किया, विश्वास रखा कि करेगा वो अच्छा ही करेगा, और इसके आधार से आज ये संगठन एक होकर के इतना विस्तार को पाया। जी, ऐसे ही कोई भी संगठन को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक तो चाहिए समाने की शक्ति। जी, हर एक के अंदर कुछ न कुछ है कमियां, उनको समाना पड़ता है। अगर आप उनको फैलाना शुरू कर दें तो वो व्यक्ति की जो हिम्मत है वो टूट जाएगी, इसलिए समाने की शक्ति जरूरी है, पहली चाहिए। दूसरा, एक दूसरे में बहुत विश्वास चाहिए, फेथ चाहिए। तीसरा, आपस का आंतरिक प्यार चाहिए। जब प्यार है, विश्वास है, समाने की शक्ति है, एक दूसरे को सम्मान देने की शक्ति है, तो संगठन एकता के सूत्र में बंध सकता है। सब संस्कार और स्वभाव एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, हर एक की सोचने का ढंग ही अलग है, जिसके कारण हर व्यक्ति सोचता है कि शायद इसके और मेरा मिलना चाहिए आपस में, तब जाकर हम दोनों मिलेंगे। मिलाना पड़ेगा, यहाँ पर ये रखना चाहिए, मिलना चाहिए नहीं, हमें मिलाना पड़ेगा, और मिलाने के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं स्वीकार भी करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा ना, अगर आपने स्वीकार नहीं किया, सत्कार नहीं दिया तो वो आपसे किनारा कर लेगा, टकराव हो जाएगा। इसलिए एकता के लिए सब विशेषताएं होनी चाहिए, और वो तभी आ सकती हैं जब एक परमात्मा की स्मृति में रहें। बहुत सुंदर। और उसके लिए भी परमात्मा की याद ऐसे नहीं आती, भले हम संगठन में रहें लेकिन संगठन में भी एक के अंत में जाने का अभ्यास चाहिए। एकांत का एक बहुत अच्छा अर्थ है जी, एक की याद के अंत में, एक की ही याद में रहना एकांत कहलाता है जी। संगठन छोड़ करके कोई किनारे बैठ जाए जाकर के, उसको एकांत नहीं कहा जाता। चुप रहना और किसी से बातचीत ना करना, नहीं, इसको चुप भी रहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी, अंदर ही अपने आप से बातें करना, अंदर से देखना, कार्य आया, कोई बात आई, सामने व्यक्ति आया, उसे बात किया, रिस्पॉन्ड किया, लेकिन आंतरिक स्थिति को हिलने नहीं दिया, उसको एकांत कहा जाता है। अक्सर लोगों का यही होता है कि जो लोग भगवान के रास्ते पर चलते हैं तो फिर वो हमारे आम समाज से हट जाते हैं और उनका ताल्लुक जो है अलग हो जाता है और वो अलग ही तरीके से अपनी दुनिया में रहते हैं, तो इसीलिए लोग अक्सर हेजिटेट करते हैं उनके सामने बातचीत करने में और अपनी बात को रखने में, तो मिलते नहीं है, जुलते नहीं है, तो कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो कट है जाते कट जाते हैं, लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं और डरते हैं कि हम भी अगर इस रास्ते पर चल पड़ेंगे तो ऐसा ना हो कि हम अपने परिवार से कट जाएं। वास्तव में यहाँ पर कटते नहीं, यहाँ तो जुड़ते हैं। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में जितने परिवार चले, बहुत सारे हजारों परिवार चल रहे हैं जी जी, पूरे परिवार के परिवार, पति पत्नी बच्चे बहुएं सब चल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन सब एक हो करके चल रहे हैं, एक मत हो करके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक को अपना बना लिया। और एकांत में रह करके जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं अंदर ही अंदर, तो अगर हमारी कोई कमी कमजोरी होती है तो अंदर रियलाइज होती है, महसूस होती है, अपने को परिवर्तन करने की शक्ति आती है। एकांत की जरूरत इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ में है, माना अधिक चिंतन भी भीड़ है ना, आज सबसे बड़ी भीड़ क्या है, मन के संकल्पों में बहुत भीड़ आ गई, उस भीड़ से एकांत चाहिए जी। उस संकल्पों को जो हमारे काम के नहीं है, जो व्यर्थ और नेगेटिव संकल्पों की भीड़ अंदर है, उसको किनारा करके एकांत में, माना अपने स्वचिंतन में रहो। तो ये भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक बहुत सुंदर तरीका है एकांतवासी रहने का, यानी सेल्फ एनालिसिस करने का। अपने लिए समय तो देना ही चाहिए। बिल्कुल, आज हम अगर 24 घंटे में एक घंटा भी अपने लिए समय नहीं देते तो हम अपने कमी कमजोरियों को निकाल ही नहीं सकेंगे। बिल्कुल, हम अपने संस्कारों को, गलत संस्कारों को चेंज नहीं कर सके। हाँ जी, इसलिए इसके लिए एकांत की जरूरत है। लेकिन कार्य व्यवहार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, संगठन छोड़ करके एकांत में जाना, उसकी आवश्यकता नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई साहब। आगे जब हम चलते हैं महावाक्यों की ओर, तो एक बहुत सुंदर बात कही है, क्योंकि परमात्मा हमारे पिता भी हैं, हमारे शिक्षक भी हैं और हमारे गुरु भी हैं। तो तीनों रूप से ईश्वर ने इस मुरली के जरिए हमें सौगात यानी गिफ्ट दी है। तो उन गिफ्ट्स के बारे में मैं एक बारी पढ़ना चाहूँगी कि बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। क्या शिक्षा देते हैं? कि सदैव पिता परमात्मा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी दैवी परिवार है, उन सबसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। पहले हम पिता की बात करते हैं। इसमें दो बातें आई, एक है आज्ञाकारी और एक है वफादार। भाई साहब, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो स्पष्ट करें। ऐसा है कि कोई भी बच्चा हाँ जी। जो पिता पुत्र का संबंध है परमात्मा के साथ, तो जो बच्चा परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करता है, माना जी जो उन्होंने कहा मैंने हाँ जी किया और करा किया, उसको कहते हैं आज्ञाकारी, सपूत बच्चा जैसे, जी पिता की हर आज्ञा को पालन करने वाला। और आज्ञाएं तो बाबा ने बहुत मुरली के अंदर हम सबको दी है, हाँ जी उन आज्ञाओं को अगर हम समझ करके चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत महान बन जाए। तो आज्ञाकारी मैं समझता हूँ समझ में सबके आता है, लौकिक में भी आज्ञा का बहुत महत्व होता है। आज्ञाकारी जो बच्चे होते हैं माता पिता की, उनके ऊपर बहुत दुआएं रहती हैं, आशीर्वाद रहती है, बहुत स्नेह बिल्कुल रहता है, हाँ वो जी सपूत कहलाता है। उसके लिए सब पूर्व कुछ खुला रहता है, माना कोई भी उसके लिए ताला चाबी नहीं, सब उसी का है जो आज्ञाकारी बच्चा है, सपूत है। अगर कपूत है तो कहते भाई देखो कहीं लुटा न दे, कहीं सही बात है। उल्टे रास्ते पर न चला जाए, उस पर थोड़ा ध्यान रखता है। लेकिन सपूत बच्चे को तो आज्ञाकारी को तो सब कुछ खुला दे देते हैं। लेकिन एक दूसरा शब्द जो इसमें यूज किया है, वफादार। हाँ जी और वफादारी वास्तव में जैसे पति पत्नी के संबंध में होती है, हाँ जी एक के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना है, एक के सिवाय कोई के में भी बुद्धि ना जाए। जिस घर में हम पले, जिस घर में हम बड़े हुए, उसके प्रति मैं फुल सरेंडर हूं, उसकी ग्लानि ना हो, और उस पर अगर कोई आंच आए तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो। बहुत सुंदर मैं इसके लिए दो उदाहरण देता हूं। हाँ जी आपने देखा है कि पशुओं में एक कुत्ता और एक घोड़ा, जी ये दोनों बड़े वफादार माने गए मालिक के, क्योंकि उस घर से खा रहा है, उस घर से पल रहा है। ऐसे ही घोड़े के बारे में भी सुना होगा, हमारे राजस्थान में महाराणा प्रताप जी होके गए, महाराणा प्रताप जी के घोड़े का बड़ा चेतक का बड़ा चेतक गायन है, जगह जगह पर उसके स्टैचू बने हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी उदयपुर के पास हल्दी घाटी में एक यादगार बनाई है, तो ये वफादारी उसके दिखाई है, और उसके कारण वहाँ बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया है, यादगार बनाई है। जी तो परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं, तुम बच्चों को मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, इतना सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बने, ठीक है। लेकिन कहते हैं जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद नहीं करना, ये कहावत है। ये माना जिस परिवार में इतनी पालना मिली, जहाँ से इतनी ऊंची जीवन मिली, जिस के आधार से हमारी इतनी उन्नति हुई, प्रगति हुई, उसमें कोई भी प्रकार की आँच ना आए, बदनामी ना हो। अगर कोई कर रहा है तो भी हम उसके लिए स्पष्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्रकार की, मेरे कारण से भी इतने बड़े आश्रम को कोई आँच ना आए, मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो, और दूसरा बाबा की कहीं पर भी ग्लानि ना हो। दुनिया में भी हम ये सीखना चाहेंगे सभी दर्शक, मैं समझती हूँ, कि हम जो भी रिलेशंस हमारे आसपास हैं, यदि हम उनके प्रति वफादार रहते हैं, यदि आज्ञाकारी रहते हैं अपने बड़ों के प्रति, तो ऑटोमेटिकली उस ईश्वर की दुआएं और अपने माता पिता की दुआएं हम सबको मिलती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन ईश्वरीय नियमों को और अपने जीवन के अंदर जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनके जो सिखाई गई बातें हैं उनको ध्यान में रखकर यदि जीवन में चलते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग भी मिलती है और हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक बात भी हो जाती है ये। बस अब हम दूसरे रिलेशन की बात करते हैं टीचर के रूप में, क्योंकि परमात्मा को हम परम शिक्षक भी मानते हैं। दूसरी सौगात शिक्षा की है कि टीचर
टीचर के रूप में तो एक ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्राहक, ये शिक्षा हमेशा याद रखना। ज्ञान बहुत अच्छी सौगात है ये। जी जी जी, क्योंकि स्कूल में भी टीचर अपने बच्चों से ये आस रखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उम्मीद रहती है ये बच्चे शिक्षाएं जो इनको मिली हैं ये जीवन में धारण करें, ये जो पढ़ाई की है इन्होंने वो इनके जीवन में आ जाए। तो एक शिक्षा ग्रहण करें और दूसरा समाज में रह करके उन्नति के लिए सबके गुण ग्रहण करें। तो ये दो सौगात परमात्मा भी हमको ये देते हैं कि तुम संगठन में रहते हो तो सबके गुण ग्रहण करो, और जो परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं उस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करो। जी जी जी, ये दो सौगातें अगर साथ रहती हैं तो हम बहुत अच्छी अपनी उन्नति कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण करना तो सभी चाहते हैं, और अक्सर कई बारी जो लोग नियमित रूप से सेवा स्थानों पर जाते हैं तो पढ़ते भी हैं परमात्मा के महावाक्य, लेकिन शिक्षा को पूर्ण तरह ग्रहण करने का कोई विशेष तरीका बताएंगे? अगर हम शिक्षाओं को स्मृति में रखें। हाँ जी, क्योंकि कई बार वो भूल जाती हैं। हाँ जी, समय पर याद नहीं आती। इसके लिए हमको कुछ अपना एक साकार में स्थूल में भी कोई नियम बनाना चाहिए। हाँ जी, जैसे हमने सुना, सुबह सुबह हमने परमात्मा की शिक्षाएं सुनी, बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना, बच्चे गुणग्राही होकर के रहना, बच्चे बहुत मीठे बोल बोलना, ये बाबा ने शिक्षाएं हमको दी, लेकिन हम इसको भूल गए, कोई ऐसी परिस्थिति आई उस समय वो बात याद नहीं आई। हाँ जी, तो ये शिक्षाओं को हमने सुन लिया लेकिन ग्रहण नहीं किया। अब ये शिक्षाएं जो सुनी हैं उनको अपने पास नोट करना चाहिए। जी, अगर स्थूल में भी एक डायरी रखें तो सबसे अच्छा है। स्टूडेंट लाइफ को कहा जाता है दी बेस्ट लाइफ, स्टडी का शौक। बिल्कुल, तो शिक्षाएं जीवन में तब आती हैं जब उनको रिवाइज किया जाए, दूसरों को भी सुनाया जाए। कहते हैं ज्ञान मिलता है दूसरों को सुनाने के लिए। दूसरों को ज्ञान दान करने से हमारा ज्ञान बढ़ जाता है। तो शिक्षाएं जो मिली हैं उनको अगर हम दूसरों को सुनाते हैं तो हमारे जीवन में भी धारण हो जाता है। इसमें दो बातें आती हैं। कहते हैं जो हमने धारण किया वही हमको कहना चाहिए। हाँ जी, पंडित जी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हमारी कथनी और करनी समान होनी चाहिए। इसलिए पहले हम धारण करें फिर कहें। लेकिन दूसरी एक पहलू ये भी है कि अगर हम आपको बार बार कहते हैं आपको ये नहीं करना चाहिए, तो ये मुख से जब आवाज़ निकलती है नहीं करना करना चाहिए, तो पहले मेरे कान सुनते हैं। बिल्कुल, एक न एक दिन वो बात हमारे अंदर जाएगी। और हो सकता है मेरे कहने से आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। तो आपकी जो दुआएं हैं वो मेरी उस कमी को समाप्त कर देंगी। बहुत सुंदर भाई साहब, मतलब दोनों तरीके से हम... दोनों तरीके हैं, ऐसे नहीं हमारे जीवन में तो है ही नहीं, मैं क्यों कहूँ किसी को। ठीक है, वो एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, हमारे जीवन में हो हम दूसरों को कहें उसका रिटर्न मुझे मिले। लेकिन कई बार वो जीवन में नहीं, मान लो आज गुस्से की बात आती है, मैंने फुल रूप से गुस्सा नहीं जीत पाया और आप मेरे सामने आते हैं, मैं कहता हूँ गुस्सा करने से ये नुकसान होते हैं, हाई बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, हम आपको सुना रहे हैं। हाँ जी, लेकिन हमारा गुस्सा खुद ही नहीं खत्म हुआ, लेकिन एक न एक दिन वो बात मेरे कान में भी जाएगी, अंदर जाएगी कि मैं दूसरों को तो कह रहा हूँ मैं नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने अगर उसको जीत लिया, उस बात को अंडरलाइन शिक्षा को कर लिया, तो आपकी जो दुआएं मिलेगी वो मेरे गुस्से को खत्म कर देंगी। बहुत सुंदर भाई साहब, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जीवन के अंदर, यदि कुछ भी हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा यदि जीवन के अंदर चाहते भी हैं कि वो जो मैंने सुना है उसको लाइफ के अंदर अप्लाई करें, नहीं कर पाते तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको सुनाना भी नहीं है, तो सुनाएंगे तो सुनाते सुनाते वो ऑटोमेटिकली मेरी लाइफ में भी आ जाएगा। हाँ, इसलिए शिक्षा को ग्रहण करना और ग्रहण करने की विधियाँ दो ही है। बहुत सुंदर भाई साहब, सर तीसरा संबंध जो परमात्मा के साथ हमारा है वो है गुरु के रूप में। उसके लिए जो लाइन लिखी है वो बहुत सुंदर है कि गुरु के रूप में यही शिक्षा है, सदैव एक मत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। एक मत की बात मैंने पहले एकता के रूप में सुनाई जी,
संगठन में एक मत होकर के चलना है जी। एक रस स्थिति चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो श्रीमत दे रहे हैं उस श्रीमत को धारण करने वाली आत्माओं की स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का क्या मतलब? एक रस स्थिति का है, मान लो आज हम सुख स्वरूप स्थिति में रहना चाहते हैं, प्रेम स्वरूप स्थिति में रहना चाहते हैं, वो जो स्थिति है उस रस में, उस स्थिति में हम स्थित रह सकें, एक की याद में स्थित रह सकें, एक रस, थोड़ी थोड़ी चीज में समय समय पर हमारा रूप बदल न जाए। अभी हम बड़े खुशी में हैं, अभी कोई बात आ गई हमारी खुशी गायब हो गई, मूड खराब हो गया, अभी बहुत उमंग उत्साह है, अभी एकदम निराश हो गए, तो वो जैसे स्थिति अप डाउन है, एक रस नहीं है। एक रस स्थिति वाला वो संकल्प ले लेता है, नहीं कुछ भी परिस्थितियां आएंगी मैं अपनी खुशनुमा मूड में रहूंगा, मैं सदा मुस्कुराते हुए इस परिस्थिति को पार कर लूंगा, वो है एक रस स्थिति, जो सदा काल स्थिति को एक में स्थित रखे, जो संकल्प हम करें उस स्थिति में सदाकाल रह सके, उसको एक रस स्थिति कहते हैं। एक रस माना एक की याद के रस में रहना जी। और जो संकल्प किया जाए उसी संकल्प के आधार से स्थिति को कायम रखना, वो है एक रस। और फिर एक की याद जी, एक सतगुरु, दूसरा न कोई, जब परमात्मा ही हमारा मात पिता बंधु सखा स्वामी सब कुछ है, तो वो हमको यही सौगात देता है, तुम क्यों बुद्धि भटकाते हो, एक की याद में रहो। सर्व प्राप्तियां एक ही पिता परमात्मा से प्राप्त करना, बहुत सुंदर भाई साहब। आगे चलकर एक बहुत सुंदर लाइन है, विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं, यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। भाई साहब विष्णु के अलंकार, विष्णु के अलंकार तो हम सब ने सुने हैं, शंख चक्र गदा और पद्म। हाँ जी। ये चारों निशानियां एक सिंबोलिक हैं, कोई ऐसा कोई स्थूल शस्त्र या सुदर्शन चक्र वो नहीं है जिसे गला काट दे भगवान, अहिंसक ज्ञान देने वाला, ये गला काटने वाला कोई चक्र उसके हाथ में नहीं है, लेकिन आत्मा का दर्शन, पहले एपिसोड में स्पष्ट हुआ है, स्व का दर्शन, स्व दर्शन चक्र अगर हमारा घूम रहा है, हमारे स्वरूप में हम आदि में क्या थे, मध्य में क्या हुए, अंत में क्या हुए, फिर मुझे क्या बनना है, वो स्व का दर्शन, आत्मा का दर्शन, उसको सुदर्शन चक्र कहते, और जो स्मृति में रहता उसका माया का गला कट जाता है। शंख है ज्ञान का, जो मुख से बजाते हैं, बहुत अच्छा भक्ति के अंदर शंख बजाने की प्रथा होती है, लेकिन ये शंख ध्वनि अलग प्रकार की, उससे भी कई प्रकार के फायदे हैं, शारीरिक व्यायाम होते हैं शंख ध्वनि से, लेकिन ये है ज्ञान ध्वनि, ज्ञान शंख सबको सुनाना, ज्ञान सुनाना, इसको शंख ध्वनि कहते हैं। हाँ जी। और पद्म माना कमल, कमल का फूल को पद्म कहा जाता है, पवित्र जीवन, पवित्र जीवन, कीचड़ में है, पानी में है, लेकिन उस पर उसका प्रभाव नहीं आता, तो घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते हुए विकारों के कीचड़ से ऊपर रहना, उसको पद्म कहते हैं जी। और गदा है माया पर जीत पाने की, बहुत सुंदर, जैसे कोई योद्धे के हाथ में गदा होती है ना, गदा होती है शक्ति की निशानी, तो ये ज्ञान की गदा अगर जिसके पास है, शक्ति जिसके पास है, वो माया की कोई भी बात से परास्त नहीं हो सकता, कितना भी बड़ा उसके ऊपर वार हो, उसके पास गदा है ज्ञान की, माना अस्त्र शस्त्र सब है, तो विजयी हो जाता। यानी यदि जीवन के अंदर यदि हमारे ज्ञान है, स्व के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, परमात्मा के बारे में, संपूर्ण सृष्टि के बारे में ज्ञान है, और उस ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं लाइफ के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हर परिस्थिति, हर समस्या को हम बहुत इजीली पार कर लेते हैं। ये चारों अलंकार वास्तव में हम सब के जीवन में आने चाहिए जी। हमारे देवताओं की संपूर्णता के कारण उनको ये अलंकार दिखा दिए गए, संपूर्ण है ना वो, हम सब अपूर्ण हैं, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं जी जी जी। अभी अभी शंख है, अभी अभी छूट जाए, अभी अभी गदा है, अभी अभी छूट जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही स्पष्टता से हमें बताया कि किस प्रकार से हमें ईश्वरीय ज्ञान और शक्तियों को लाइफ के अंदर लेकर आना है, तो ऑटोमेटिकली लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। थैंक यू भाई साहब। तो दर्शकों, आज हमने बहुत ही अच्छी तरह समझा कि यदि हम संगठन में रहते हैं, एक कंपनी में रहते हैं या परिवार में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आपस में मिलते हुए एक दूसरे का रिगार्ड रखें, रिस्पेक्ट रखें, साथ ही बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझना, समाने की शक्ति को धारण करना और प्यार को बरकरार रखना।
साथ ही एकांत का एक बहुत सुंदर अर्थ हमने जाना कि एक के अंत में रहना। एकांत का मतलब ये नहीं कि हमें अलग होकर रहना है, बल्कि अपने आप को पर्सनली टाइम देना है और अपने अवगुणों को निकालना है। पिता परमात्मा जो पिता के रूप में, टीचर के रूप में और सतगुरु के रूप में हमें पढ़ाते हैं, शिक्षाएं देते हैं, उनके प्रति हमें वफादार रहना है, फरमान बरदार रहना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। शिक्षक के रूप में यदि हम पिता परमात्मा की पढ़ाई को पूरी तरह धारण करते हैं, गुणों को ग्रहण करते हैं और अवगुणों को बाहर निकालते हैं, साथ ही गुरु के रूप में यदि हम एक रस स्थिति बनाकर रहते हैं, एक की ही याद में रहते हैं, तो बहुत सहजता से ही हमारा जीवन विष्णु समान हो जाता है। गुणों को धारण करके हम सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारी यही दुआएं हैं कि आप ईश्वर के इन अमूल्य रत्नों को जीवन में धारण करके अपने जीवन को उच्च कोटि का बनाते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति। एकता और एकांत मुख्य कमी है, एकांत वासी कम करते हो और दूसरी एकता में कम रहते हो। तीनों संबंध से तीन सौगात, एक बाप के रूप में शिक्षा की, दो टीचर के रूप में, एक तो ज्ञान ग्रहण, दूसरा गुण ग्रहण, तीन गुरु के रूप से सदैव एक मत होना है, एक रस और एक के ही याद में रहना।